हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज मैं अपना प्लांटेशन दिखा रही हूँ। मैंने बहुत न्यू प्लांट नहीं लगाया है, जो मेरे पास पुराने प्लांट थे उसको चेंज किया है। तो प्लास्टिक के पॉट में आप किस तरह प्लांट लगा सकते हैं जो सालों से टिका रहे? इससे पहले का जो क्लिप आप देख रहे थे वो सारे प्लांट्स मेरे करीब 5 साल पुराने हैं, और सारे के सारे प्लांट्स प्लास्टिक में हैं, उसमें कुछ भी ख़राबी नहीं आया है। ये जो प्लांट अभी जो दिख रहा है ये होम प्लांट है, और इसके जड़ काफ़ी बढ़ गए थे तो हम लोगों को चेंज करना था बड़े पॉट में। और ये दूसरा प्लांट है जो बहुत मुश्किल से निकला। इसको पहले मिट्टी को ढीला किया गया, फिर पानी डाले, फिर इसको लूज़ किए, तब जाके ये प्लांट निकला। क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट है, इसके जड़ काफ़ी फैल गए थे तो बहुत मुश्किल से निकाल पाए। कोई नहीं, निकल चुका था। और उसके बाद ये प्लांट क्या था, इतना बड़े हो गए थे कि ज़रा भी हवा चलती थी तो वो गिर जाते थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था इसे चेंज कर देंगे। और इसको किस तरह गिरने से बचाएं वो भी मैं बताऊंगी। जब भी आप प्लांट लगाएं तो नीचे में थोड़ा भारी गिट्टी वाले पत्थर होते हैं वो डाल दें बेस में, उसके बाद मिट्टी डालें, उसके बाद प्लांट लगाएं, और उसके बाद मिट्टी से इसे कवर कर लें, और पानी काफ़ी अच्छे से डालें क्योंकि प्लांट को इस टाइम पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, ये अच्छे से पानी डाल दिया गया है और इसे काफ़ी मिक्स कर रहे थे। इसमें हम सारी फैमिली ने मेहनत किया है क्योंकि प्लांट को भी एक बच्चे की तरह देख रेख करना पड़ता है। तो यहाँ पे अशर जो मिट्टी हम लोग लेकर आए थे उसे बारीक करना था। बारीक करने के बाद सारे को जो कचरा, जो कंकड़ होते हैं उसे निकाल देना था। इस तरह सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसे निकाल दिया गया और इस तरह फैला देते हैं। तो गर्मी नहीं थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, तो काम भी आसानी से हो रहा था। और यहाँ पे एलोरा प्लांट आप देखने को मिलेगा, और ये भी निकल चुका था, बहुत मुश्किल से निकला लेकिन निकल चुका था। ये यहाँ पे पानी जमा किया जा रहा था और बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। एक तो लॉकडाउन है और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये एक तरह का घर में बच्चे इन्जॉय भी करते हैं और बिज़ी भी रहते हैं, और प्लांट को भी नई चीज़ें मिल जाती, नई खाद, नई मिट्टी, तो वो भी अच्छा रहता है। जब भी आप प्लास्टिक के पॉट में कुछ भी लगाएं तो उसके नीचे 4 से 5 होल ज़रूर कर दें, क्योंकि पानी ड्रेन होने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और बेस में पानी जमा ना रहे इसके लिए सबसे पहले हम लोग नीचे पत्थर डाल रहे थे ताकि वो हवा से प्लांट गिरे नहीं, क्योंकि पॉट बड़ा ज़रूर है लेकिन प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा है, जरा भी हवा यहाँ चलती है तो वो गिर जाता है। तो इसको बेस को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, मीन्स भारी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जो सारी मिट्टी जो लेकर आए थे उसको सारे को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके डालते हैं। तो ये देखिए इसका जड़ कितना बड़ा है और काफ़ी मिट्टी में बिल्कुल फैला हुआ है। तो इसको देखने के बाद ऐसा लगा कि इसको जो मिट्टी हम लोग डाले थे ज़्यादा डल गया था, तो उसे निकाल दिए। तो ये 2 से 3 प्लांट लगाते लगाते हम लोगों को शाम हो गई थी, मीन्स 7 बज गया था। और अशफर है जो अपना एंजॉय कर रहा था, साइकिलिंग कर रहा था, और अशर ऑलरेडी साइकिलिंग करके आ चुके थे, और ये दोनों प्लांट फाइनली लग चुका था, थैंक गॉड। इतना काम करने के बाद दोनों बच्चों को काफ़ी भूख लगी थी, तो मैं ऊपर जाके चीज़ी मैगी बना रही थी। उसे कैसे बनाया है मैं आगे शेयर करूँगी, और इसका छोटा सा वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैगी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है लहसुन, हरी मिर्च, मैगी मसाला और मैगी, और यहाँ पे चीज़। यहाँ पे पानी को पहले से मैंने गरम कर लिया है और पैन चढ़ा दिया है, साथ में तेल भी डाल देंगे। तेल गरम हो गया है और यहाँ पे लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई हो गया है, अब यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च भी फ्राई हो गया है, अब यहाँ पे गरम पानी डाल। ये मैगी का 2 पीस है तो 2 कप पानी डालें, अंदाज से डालें। अब पानी को यहाँ पे उबलने देंगे। पानी उबल गया है, अब दोनों इसमें डाल देते हैं, दोनों मैगी को इसमें डाल देंगे, जो चूर भी बचा हुआ है इसे भी डाल देंगे और पकने देंगे। मैगी यहाँ पे पक रहा है, यहाँ पे डाल देती हूँ ये शैशे,
और इसे अच्छे से मिला देंगे। ये अभी पक रहा है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, और इसे अब मैं इसमें डाल दूंगी चीज़ जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, ये बनके तैयार हो गया है। और अब इसे हम सर्व करते हैं। अब इस बॉल में हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।